हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ीसा ब्लॉगर सुनी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिश शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी है, और वो भी पूरे भगवान को चढ़ाने के लिए है। और उसके लिए मैंने लिया है एक नारियल, और उसका ना इसी से निकालूंगी उसका, नहीं तो आप लोग तोड़ कर भी उसका जो पीछे का वाला हिस्सा है उसको निकाल कर, जो काला वाला हिस्सा है उसको निकाल कर इसे बना सकते हो ग्राइंड करके मिक्सी में पीस के। लेकिन मैं इस तरह निकाल रही हूँ, देखो निकालने वाला हिस्सा छोड़ दिया। और इसी तरह मैंने दो जो एक नारियल था उसको सारा निकाल लिया, देखो यहाँ पर कितना हुआ है। और इसके लिए मैंने लिया है लगभग 250 ग्राम शक्कर, और शक्कर को मैंने यहाँ पे मिक्सी लिया है, मिक्सी में पीस लूँगी बिल्कुल पाउडर। मिक्स हमें चाहिए शक्कर का पाउडर, चाहिए शुगर पाउडर, तो इसके लिए हमें इसको पीस लेना है। मैं चलती हूँ पीसने। देखो हो गया हमारा, पीस लिया, पाउडर बन गया शुगर का, तो उसको बाउल में निकाल लेंगे और उसी मिक्सी के जार में ना हम नारियल को डाल देंगे। नारियल को भी हमें पीसना है, नारियल का पूरा बारीक वाला हिस्सा हमें चाहिए, इधर तरह जो हुआ है उसे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बारीक वाला चाहिए। और नारियल को देखो पीसने के बाद किस कैसा हुआ है, आप लोगों को हाथ से दिखाती हूँ कैसा हुआ है, बारीक से, बिल्कुल बारीक से ऐसे ही करना। नारियल बहुत सूखा वाला नारियल था तो उसमें ऑयल ज़्यादा है, तो आप लोग बीजी कच्चा वाला नहीं लेना, कच्चा वाले से अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग सूखा वाला ही नहीं लेना, लेकिन ज़्यादा भी सूखा नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इसको अब हम डाल देंगे जो शुगर पाउडर में, मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे। डालने के बाद हमें उसे मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से, वहाँ कहीं पर भी छोड़ना नहीं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे चारों तरफ घुमा घुमा कर मिक्स करना है। देखो हमारा अभी मिक्स हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, तो उसको हम ना ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, ढक देंगे 15 मिनट के बाद हम निकालेंगे। देखो कैसा हो गया है, पानी बिल्कुल, क्या जो शक्कर था ना वो सब मेल्ट हो चुका है, पाउडर का पानी पानी हो गया है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई बैठाई है, कढ़ाई में हम उसको डाल देंगे गैस पे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी लो, बिल्कुल हाई करना नहीं है, नहीं तो हमारा कलर अलग हो जाएगा और जल जाएगा नीचे से। और चीनी को ना शक्कर को ना हमें ज़्यादा भी जो पकाना भी नहीं है, पकाने से ना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, वो नमक जैसा हो जाएगा पाउडर। के लिए हमें थोड़ा सा लगभग 5 मिनट के लिए हमें हिलाना है, 5 मिनट के बाद हमें डालना है मिल्क पाउडर। आप तो कौन चेक के किस जो कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो, मैं यहाँ पर अमूल का लिया हूँ, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच अमूल का डाला था। और उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें यहाँ ले आई करने के लिए या बनाने के लिए पेड़ा, आप लोग चाहो तो इसे कोई भी नाम दे सकते हो, नारियल का पेड़ा बोल सकते हो, नारियल का मीठा बोल सकते हो। लेकिन ये हो गया है, अभी मम्मी बना रही है, देखो हमारा बन चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी है। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।